आइए बच्चों, अब हम पाठ 3 का अभ्यास शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न ये, ईक में कितनी ध्वनियां हैं? तो इसका उत्तर है, ईक में 4 ध्वनियां हैं। तो यह जो होता है, हमारा शब्द होता है कुछ ध्वनियों से मिलकर बनता है। तो इसी प्रकार से जो एक शब्द है, इसमें 4 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि एक शब्द बना है। आइए हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2, आपका नाम स्वर या व्यंजन से शुरू होता है, बताइए। तो बच्चों, इसमें जो हमारा प्रश्न है, इसमें आपने अपने नाम को सबसे पहले देखना है, आपका नाम क्या है, उसको फिर आपने देखना है कि वह स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से शुरू हो रहा है। तो इसमें आप बच्चों इस प्रकार से एक उदाहरण लिख सकते हैं, जिस प्रकार मैं अपने नाम का उदाहरण देती हूँ कि मेरा नाम है रेणु। तो जो रेणु में र शब्द है, वह एक व्यंजन है। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। आइए, सबसे पहले मेरा नाम शुरू होता है व्यंजन से। कैसे? रेणु, रेणु में जो र है वह है एक व्यंजन। क्या है? एक व्यंजन। और जो यह व्यंजन है, वह इस प्रश्न का उदाहरण, वो है उत्तर है। तो जो मैं इसका उत्तर लिखूंगी, मेरा नाम व्यंजन से शुरू होता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे किसी भी हमारी कक्षा का जो बच्चा है, या फिर हमारे स्कूल का कोई बच्चा है, जैसे राम का ही नाम ले लेते हैं, या फिर राम का तो ऐसे र से उदाहरण हो ही चुका है, ऐसे ही अमन का नाम ले लेते हैं, अमन। जो अमन शब्द है, इसमें जो पहला हमारा वर्ण है, वह है अ। अ क्या है? एक स्वर है। क्या है? स्वर। अमन एक स्वर है। तो इस प्रकार से अब इसका जो हमारा उत्तर बनेगा, वह बनेगा, मेरा नाम स्वर से शुरू होता है। ठीक है? तो बच्चों, आपने इस प्रश्न को इसी प्रकार से करना है कि आपने सबसे पहले अपना नाम देखना है, नाम का पहला जो वर्ण है वह देखना है, अक्षर देखना है, और उसे फिर देखना है कि वह स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से शुरू हो रहा है। तो फिर जो आपका उत्तर बनेगा, उसे अपनी कॉपी में वाक्य के रूप में लिखना है। तो इसी प्रकार ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अब है प्रश्न 3, आओ पत्थरों पर एक एक स्वर को लिखो। तो अब हम यहाँ पर स्वर लिखना शुरू करेंगे। तो बच्चों, जिस प्रकार से आपने भी पहली कक्षाओं में भी स्वर तथा व्यंजन को सीखा है, आइए उसे ही दोहराते हैं। तो यहाँ पर हम पत्थरों की जगह पर इसी प्रकार से लिख लेते हैं, जिससे कि आपको जो स्वर है वह दोहराई में आ जाए। लेकिन जो आपकी असाइनमेंट है, उसमें वह पत्थर दिखाए गए हैं, तथा जो आपकी बुक है, पुस्तक है हिंदी की, व्याकरण की, उसमें भी वह पत्थर दिखाए गए हैं। आइए इसे दोहराते हैं। स्वर, सबसे पहले आएगा अ से अनार, दूसरा स्वर है हमारा बड़े आ से आम, फिर है छोटी से इमली, इसके बाद बड़ी से
के तथा इसी प्रकार से आपकी इस प्रश्न की दोहराई होगी। बच्चों तो इसी प्रकार अब हम प्रश्न तीन करेंगे। जो हमारा प्रश्न तीन है वह है व्यंजनों को क्रम से एक एक पत्थर पर लिखिए। तो जिस प्रकार हमने पिछले प्रश्न में स्वरों को दोहरा ही लिया है, आइए अब हम व्यंजनों को दोहराएंगे और जो हमारे व्यंजन हैं वह इसी प्रकार से हम बोर्ड पर लिखेंगे तथा दोहराएंगे। आइए शुरू करते हैं। व्यंजनों में सबसे पहले आता है क वर्ग। क वर्ग तो यह क वर्ग क्या है? क वर्ग जो हमारे बच्चे होते हैं उन्हें जो हमारी क की लाइन होती है, जो क में हमारे व्यंजन आते हैं उन व्यंजनों के समूह को हम कहते हैं क वर्ग। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं आइए देखते हैं। क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, जैसे जहाज, जैसे झरना और यह हो गया हमारा न खाली। यह जो लाइन है च की, जितने भी पांच के पांच हमारे व्यंजन आए हैं यह है च वर्ग। च वर्ग के बाद आएगा जो हमारा प वर्ग है, इसमें प वर्ग में हम प के व्यंजनों को लिखना शुरू करते हैं। प व से वक, य र ल व।
आगे आते हैं श, जो यह य र ल व है, यह है अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद जो हमारी अगली लाइन शुरू होती है व्यंजनों की, वह है ऊष्म व्यंजन। आइए उन्हें देखते हैं। श, इसे बोलने से ही पता चल रहा है, तो श ऊष्म, श इसे पेट फटा श भी कहते हैं, स सस्तेरा तथा ह, श स स ह, यह है ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हमारे जो संयुक्त व्यंजन है, आइए उन्हें देख लें। यह सभी के सभी व्यंजन भी क्या है, किसी न किसी व्यंजन के मेल से बने हैं, इसलिए यह क्या हुए, संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों आइए इस प्रश्न को दोबारा दोहराते हैं। यह व्यंजन यहाँ से क वर्ण से शुरू होते हैं, क ख ग घ ड, च छ ज झ न, ट ख ड ढ न, त ख ड ढ न, प ख ब ध म। इसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं हमारे व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन श स स तथा क। इसके बाद आगे चलते हैं, वह है हमारे संयुक्त व्यंजन, वह है श ट ज तथा श्र। इस प्रकार जो हमारे व्यंजन है वह पूर्ण होते हैं। बच्चों अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न चार, पतंग में है कुछ स्वर तथा कुछ व्यंजन, स्वर तथा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, कुछ यहाँ पर हमें स्वर तथा कुछ व्यंजन दिए गए हैं जो आपस में उलझ गए हैं, आपस में मिल गए हैं, इन्हें हमें अलग अलग करके लिखना है। तो आइए हम इसे लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक सुंदर पतंग, इसमें लिखेंगे हम क्या, स्वर, ठीक। इसके बाद बनाएंगे हमें पतंग मोर, इसमें हम क्या बनाएंगे, व्यंजन, क्या लिखेंगे, व्यंजन, यहाँ पर हम लिखेंगे व्यंजन। तो आइए हम शुरू करते हैं स्वर तथा व्यंजन लिखने। अब अ क्या है, अ है स्वर, याद कीजिए अ क्या है, एक स्वर। तो यहाँ स्वर में लिख दिया हमने अ, यह हो गया। इसके बाद है द, द क्या है, द, त थ द तवर, तो यह क्या हुआ हमारा व्यंजन, इसे हम लिखेंगे व्यंजन में। इसके बाद आया म, प फ ब भ म, पवर, पवर किसमें था, व्यंजन में, तो यह कहा जाएगा व्यंजन में, यह गया व्यंजन में, सॉरी म, म, यह भी पूर्ण हुआ। इसके बाद आया श, श, श आया हमारा
व्यंजन में श स स ह, यह उष्म व्यंजन आया व्यंजन में, इसे लिखेंगे हम व्यंजन में, तथा यह भी हमारा पूर्ण हुआ, यह हमारा जो वर्ण है पूर्ण हुआ। इसके बाद आया आ, आ अ से अनार, बड़े आ से आम, यह हुए स्वर, तो यह आएगा स्वर में। इसके बाद आया छोटा उ, छोटा उ भी है हमारा स्वर, छोटा उ हमारा स्वर है, तो यह आएगा हमारा स्वर वाली पतंग में। इसके बाद बड़ा उ, बड़ा उ तो आप भी बता सकते हैं बड़ा उ आएगा स्वर वाली पतंग में। आइए से लिखते हैं। इसके बाद आया अण, अण अण है हमारा व्यंजन, ट ठ ट ढ ण, ट वर्ण अण व्यंजन है, यह भी हमारा पूर्ण हुआ। इसके बाद आया च, च से चम्मच, च वर्ण, च वर्ण किसमें आया व्यंजन में, तो इसे भी हम व्यंजन में लिख देते हैं, यह हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं ओ, ओ अब यह हमारा आएगा स्वर में, अ अ ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ, री री सी, ए एडी, ऐ ऐनक, ओ ओखली, तो यह आया स्वर में। इस पर भी हम निशान लगा लेते हैं, यह हमने कर दिया है। इसके बाद है प, प पतंग, प पतंग किसमें आती है व्यंजन में, प वर्ग में, तो यह हमारा व्यंजन में जाएगा, यह व्यंजन वाली पतंग में हमने लिख दिया, तो यह प वर्ग भी हमारा हो गया है, इस पर हम निशान लगाएंगे। अब है भ, भ जो हमारा है यह प वर्ग में आता है, प फ ब भ, भ भालू, यह व्यंजन में आएगा। इसके बाद न, न भी हमारा व्यंजन है, तो यह न हम व्यंजन वाले पतंग में लिख देते हैं, त वर्ग में त थ द ध न, तो यह भी हमारा हो गया। अब है अंग, अंग जो हमारा वर्ण है यह आएगा स्वर में, अंग अह, यह अयोग वाह भी होते हैं, तो यह अंग हमारा पूर्ण हुआ। इसके बाद है ट, ट ट वर्ग में यह व्यंजन है, ट टमाटर, तो यह व्यंजन में आएगा। इस प्रकार बच्चों जो यह हमारे स्वर तथा व्यंजन की हमारी पतंग बनी थी, उसमें यह जो हमारे वर्ण थे मिले हुए आपस में घुले हुए, यह हमें अब अलग करके समझ में आ गए हैं कि किस प्रकार यह स्वर तथा व्यंजन में आएंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से आप भी कोई अपनी एक ऐसी ही गेम बनाइए, जिसमें कि आप कुछ वर्णों को लिख लीजिए, अपने बड़ों से लिखवाइए तथा उसे अलग करके देखिए कि क्या आपको स्वर और व्यंजनों की पहचान है। तो बच्चों इस प्रकार आपका जो यह अभ्यास है ये पूर्ण हो चुका है। तो आप छोटे छोटे बच्चे इस पाठ की दोहराई कीजिए, इसे अलग अलग तरीके से करने की कोशिश कीजिए, कभी इसे रिक्त स्थान, कभी इसे मिलान, तो कभी इसे किसी गेम के द्वारा, जैसे यह पतंग वाली गेम मैंने आपको बताई थी, इसी प्रकार से इसे एक्टिविटी के रूप में लेकर करें, जिससे कि आपकी जो हिंदी का ज्ञान है वह बढ़े तथा जो व्याकरण की शुद्धियाँ हैं वह वर्तनी भी आपकी अच्छी हो जाए। तो बच्चों इसी प्रकार से आपने इस पाठ पर काम करना है और इस अभ्यास को दोहराना है। बच्चों जब अब यह पाठ का अभ्यास पूर्ण हो चुका है, आइए हम स्वरों की जो मात्राएं हैं उन्हें एक बार दोहरा लें, जिससे कि आपकी यह स्वरों का ज्ञान है वह बढ़ जाए। अब है स्वरों की मात्राएं, यहाँ पर मैंने स्वरों की सभी मात्राएं लिखी हुई हैं। अब मैं आपको इनके चिन्ह बताती हूँ तथा इनके कुछ उदाहरण देती हूँ। तो जो हमारा पहला मात्रा स्वर है उसकी मात्रा बनेगी अ की कोई भी नहीं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इससे बिना मात्रा के शब्द बनते हैं, इससे बिना मात्रा के शब्द बनते हैं, यह
जो हमारे अन्य जो वर्ण होते हैं उन्हें पूर्ण करने में कार्य करता है। जैसे क को हम ले लें तो क जो है वह आधा क जमा अ से बना है, तो यह इस प्रकार से कार्य करता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसके बाद जो हमारा अगला स्वर है वह है आ। आ का जो चिन्ह होता है वह होता है इस प्रकार, यह आ की मात्रा का चिन्ह है। आइए अब हम इससे कुछ शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं आम, पापा। जो यह आम तथा पापा है इसमें दोनों में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार से यह देखिए, अ जमा आ की मात्रा जमा म, पापा में प जमा आ की मात्रा प जमा आ की मात्रा, यह बना पापा। इसी प्रकार से अब हमारा जो अगला स्वर बनता है वह है छोटी ई। जो हमारी छोटी ई की मात्रा होती है वह जो होती है इस प्रकार का चिन्ह देती है। और जो यह चिन्ह है यह हमारे जो वर्ण होते हैं उनके आगे से लगती है। आइए इसका प्रयोग करके दिखाती हूँ। पिता, पिता में देखिए यह किस प्रकार से आगे की तरफ से मात्रा लगी है, यह वर्ण के आगे से लगती है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला बनता है वह है किसान। किसान में भी जो यह मात्रा का चिन्ह लगा है वह वर्ण के आगे से लगा है। इसी प्रकार हमारी बड़ी ई की मात्रा, जो बड़ी ई की मात्रा है इसमें भी हम मात्रा का जो चिन्ह लगाते हैं वह इस प्रकार से बनेगा। यह जो है वह वर्ण के पीछे से लगता है, जिस प्रकार जो छोटी ई की मात्रा है वह आगे से लगती है, उसी प्रकार से जो बड़ी ई की मात्रा है वह पीछे से लगती है। और पीछे से लगने के कारण यह जो क्या है यह अपने आपको छोटी से अलग करती है। इसके अलावा इसकी एक और पहचान है कि यह छोटी ई से दुगनी या अधिक ध्वनि लेती है, जैसे पीला पीला, और ऐसे ही पिता। पिता और पीला में किस प्रकार से हमें फर्क दिख रहा है, जो पिता है इसमें ई की जो हमारी जो आवाज है वह कम गई है, वैसे ही जो पीला है पीला अपने आप बोलकर पता चल रहा है वह ज्यादा आवाज तथा ज्यादा अपने आप को दोहरा रहा है, जिस वजह से कि बड़ी ई की मात्रा का पता चल जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे किला और पीला। यह यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर आ की मात्रा का भी प्रयोग हुआ है। यह इस प्रकार से ऊपर की तरफ घूमता हुआ है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, पुजारी तथा कुल। यहाँ पर इस प्रकार से छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब हम देख लेते हैं इसमें अगला स्वर है बड़ा ऊ। बड़े ऊ में किस प्रकार से चिन्ह बनते हैं ये ध्यान से देखिए। यह इस प्रकार घूमता हुआ नीचे की तरफ है, जिस प्रकार यह ऊपर की तरफ आए यह नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर आएंगे उदाहरण पूजा तथा, इसके अलावा हम यहाँ पर लिख सकते हैं सूरज। पूजा तथा सूरज। अब हमारा जो अगला स्वर है वह है री। री की जो मात्रा होती है वह इस प्रकार से गोलाई में अर्ध गोलाकार बनता है, जो कि वर्ण के नीचे लगता है। आइए कुछ उदाहरण देख लें, कृपा तथा कृषक। कृपा तथा कृषक, यह र की आवाज देता है। आइए अगले हम स्वर को देखें, यह है ए छोटा ए। इसकी जो
इस प्रकार बनती है। तो इसका कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। केला तथा शेर। ठीक है बच्चों, यह इस प्रकार से वर्ण के ऊपर किया जाता है, केला तथा शेर। अब अगला जो हमारा स्वर है, यहाँ पर इसी को इस प्रकार दो द्वारा लिख देते हैं, तो यह बड़ी ए की मात्रा का चिन्ह बन जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, कैसा और पैसा। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो स्वर है वह है ओ। यह तो अपने जो निशान है, जो अपना मात्रा का चिन्ह है, साथ ही लिए हुए होता है तथा इसी प्रकार इसका चिन्ह बनता है ओ की मात्रा का। तो यह किस प्रकार बनेगा? तो अब आप इस मात्राओं को अपने प्रयोग में लाइए तथा इसे